नमस्कार दोस्तों, एवन स्टडीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टेट परीक्षा देने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा है। वो झटका क्या है और क्या उनके लिए दुख भरी खबर है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम और से ज़्यादा आपके एनर्जेटिक होकर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, खबर ये है कि एचटेट के जो आवेदक हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, आवेदकों को गृह जिले में नहीं मिलेंगे परीक्षा केंद्र। पहले जैसा बोला गया था एचटेट में गृह जिले में उनको केंद्र बनाए जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं होगा। गुरुग्राम भिवानी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को गृह जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्देश जारी किया गया है। परीक्षा केंद्र आवंटित होने के बाद इसमें से कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे में परीक्षार्थी दूसरे जिलों में जाकर परीक्षा देंगे। हरियाणा बोर्ड की ओर से परीक्षा आयोजन 16 और 17 नवंबर को होना है। परीक्षा के संबंध में विभाग की वेबसाइट पर दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 23 अक्टूबर तक आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा के लेवल, जातिगत श्रेणी, दिव्यांग, विकलांगों में संशोधन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्यूरो। तो दोस्तों, यही थी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एस्टेट देना चाहते हैं और उनको अब दूसरे ज़िले में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।